अनुपम और अतुलनीय है महाकवि जानकी वल्लभ संजय पंकज। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का साहित्य आत्मविश्वास जगाता है और उत्साह का संचार करता है। जीवन के संघर्षों से शास्त्री जी हारे और टूटे नहीं, बल्कि उससे जूझते रहे। सार्थक जीवन को सौंदर्यपूर्ण ढंग से जीने का अटूट विश्वास उनकी रचनाओं में दिखता है। सौंदर्य प्रेम करुणा और सत्य के साधक कवि जानकी वल्लभ शास्त्री पराक्रम शौर्य और ओझ में भी कमतर नहीं है। ये बातें आचार्य श्री की पुण्यतिथि पर आयोजित मासिक महावाणी स्मरण गोष्ठी में कवि साहित्यकार और बेला के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने कही। जीवन राग के गायक कवि जानकी वल्लभ विषय गोष्ठी पर विषय प्रवेश कराते हुए संजय पंकज ने आगे कहा कि साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में आचार्य श्री के स्मारक पर आकर हम उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। महाकाव्य राधा हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्यों में अग्रणी है। कामयायनी से आगे भी राधा महाकाव्य का तत्व चिंतन और शिल्प वैभव है। कामयायनी का मनु पलायन करता है, मगर राधा का कृष्ण कर्मनिष्ठ होकर संसार समर में निरंतर जूझता है। आचार्य श्री का व्यक्तित्व अनुपम और अतुलनीय है। कृतित्व कालजयी और वैश्विक बोध से संपन्न है। अध्यक्षीय उद्गार में डॉक्टर फुलगेन पूर्वे ने कहा कि महावाणी स्मरण का एक अपना समृद्ध इतिहास है। मेरे जानते इस तरह का आयोजन पूरे देश में कहीं नहीं होता है। शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का जिस तरह से स्मरण किया जाता है वह प्रेरक और संस्कार प्रद है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से पधारे कवि संपादक डॉक्टर देवेंद्र सिंह तोमर ने अपने भाव भरे शब्दों से शास्त्री जी को याद किया और कहा कि मैं बचपन से ही इनके गीतों को पढ़ता और लिखने में प्रेरित होता हूँ। डॉक्टर तोमर के गीत कुछ तो बात हुई लगती है, क्योंकि आज हवा में बहुत नमी है। सदी कंठ से प्रस्तुत हुआ एक प्रेम का सौंदर्य में स्वर प्रवाह सहेजे हुआ था। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने शास्त्री जी के प्रिय गीत मैं गाऊं तेरा मंत्र समझा जग मेरी बानी कहे कहे सुमधुर स्वर में सुनाया और उसे उद्गार में कहा कि विविध भावों से भरा आचार्य श्री का रचना संसार लिखने पढ़ने वालों के लिए बड़ी पूंजी है। डॉक्टर मिश्र ने हमने दुख को नहीं बुलाया, खुद आया है खुद जाएगा गीत सुनाकर जीवन के उत्साह को उजागर किया। डॉक्टर पुष्पा प्रसाद ने शास्त्री के गीत जीवन भी मिला बहार भी और क्या चाहिए सुनाया तो संजय पंकज ने पिता पर केंद्रित रचना की इन पंक्तियों धीरे धीरे मुझ में मेरे उतर रहे हैं आज पिता लेकर अपने रूप घनेरे संवर रहे हैं आज पिता। आंधी आई तो पर्वत थे भटके जब तो उंगली थे राहत की मधुवंशी तेरे ठहर रहे हैं आज पिता से सबको भावुक बना दिया। गोष्ठी में डॉक्टर सैल केजरीवाल अंजनी कुमार पाठक देवेंद्र कुमार श्रवण कुमार अरुण कुमार तुलसी सत्येंद्र सत्येन राम वृक्ष चकतपुरी उमेश राज शुभनारायण शुभशंकर ललन कुमार नरेंद्र मिश्र सहज कुमार मीरा भारती कुमार बिरल ने विविध भावों से भरी रचनाओं को सुनाकर आचार्य श्री को शब्दांजलि अर्पित। आचार्य श्री की पुत्री सैल बाला मिश्र डॉक्टर रश्मि मिश्र नागरिक मोर्चा के मोहन प्रसाद आदि कई लोगों की विशिष्ट उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समाज सेवी HL गुप्ता ने कहा कि निराला निकेतन के प्रति मेरे भीतर अद्भुत आकर्षण और सम्मान का भाव है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।